मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिलीव दैट डैम्स वुड बी द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। हाउएवर, डैम्स हैव नॉट प्रूवन टू बी क्वाइट द साइट्स ऑफ मॉडर्न एनलाइटनमेंट दैट वॉज एम्फसाइज्ड। नेहरू हिमसेल्फ रियलाइज दिस, परहैप्स टू लेट। बिटवीन 1970 टू 1990, मैनी लार्ज डैम्स वे कंस्ट्रक्टेड इन द बिलीफ दैट दे वुड शोर अप द इंडियन इकोनॉमी। Since the 1980s, people's movements have opposed the construction of large dams through protests as well as petitions at the high courts and supreme courts due to the large-scale displacement that they have caused. Dams, once thought of as a vanguard of sustainable development, have also been criticized severely for their irreversible impact on riverine ecology, forests and biodiversity. In 2013, the residents of the Himalayan state of Uttarakhand bore the full fury of cloudbursts in the upper reaches, which caused devastating floods downstream. While the forces of nature were out of control, man might have also had a part to play in worsening the impact. The residents believed that the damage caused by the floods may have been less had it not been for the dams that straddled their rivers. Residents of Pauri, Srinagar town, approached the National Green Tribunal demanding compensation from a dam company for the havoc that it had wreaked. They won, but the victory was short-lived as the dam company challenged the tribunal's order in the Supreme Court. The matter is still to be decided. Here is a story of resilience and hope. उस दिन संडे था, सब बहुत इजी मूड में थे। सुबह 5 बजे जब देखा तो पूरा जलमग्न हो रखा था। पानी की ये कंडीशन थी, जब हम बाहर निकले तो हमारे सीने से ऊपर पानी था। भक्तियाने में मकान लिया 15 तारीख को और 16 तारीख को डूब गया। बच्चे छोटे छोटे थे, उनको गोदी में कैसे ले गए हम ही लोग जानते हैं। रात के 3:45 बजे लगभग फिर हमने अपना घर छोड़ दिया। हम लोग कश्मीर के ट्रिप में थे और हम जल्दी आ भी नहीं सकते थे, तो हमारा घर जो है 10 दिन तक पानी में ही डूबा रहा। एक किस्म से यहाँ पूरी झील जैसी बन गई। आई कांट एक्सप्लेन, बहुत पीड़ा होती है और इतनी पीड़ा है कि डर अभी भी है दिमाग में। जब मैंने वो दृश्य देखा तो मैं मानसिक तौर पर बीमार पड़ गई और वो दृश्य मैं अब याद नहीं करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी यदि बारिश होती है तो हमारे जो छोटे छोटे नाती नातिन हैं वो कहते हैं कि दादाजी फिर वही पोजीशन आ जाएगी कि बारिश हो रही है, या फिर वही उसी प्रकार से बाढ़ आ जाएगी। तो सबसे बड़ा नुकसान जो हमारी जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन जो आ रही है, उसके दिमाग में ये आ रहा है कि फिर ऐसी बारिश होगी और इसी प्रकार से मतलब हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। पानी कैसे आया? ये अलकनंदा आती है, यहाँ से धौली गंगा मिलती है, फिर नीचे नंदाकिनी मिलती है, फिर पिंडर मिलती है, फिर मंदाकिनी मिलती है, और ये सब जगह से वाटर एक्युमुलेट होकर के श्रीनगर डैम के ऊपर में आता है और वहाँ से रिलीज होता है जब मक के साथ में। और जब वो आता है तो पूरा भक्तियाना शहर में पानी और मिट्टी सब आ गई थी। उसके बाद की स्थिति बहुत भयानक थी। धीरे धीरे जो जल स्तर भरता है, जो पूरी झील भर जाती है, तो पीछे धारी देवी का मंदिर डूबने की बात होती है। तब जीवी के कंपनी के लोग, रेड्डी और फिर डीएम, ये लोग कहीं आपस में बात करते हैं और धारी देवी को मंदिर को जल्दी से जल्दी उस पूरे स्टैचू को काट करके ऊपर किया जाता है, आइडल को, और
उसके बाद गेट खोल दिए जाते हैं। इसीलिए बहुत हुआ कि ये धारी देवी हटाई गई और फ्लड आ गई। वास्तव में तो ये पूरी कंपनी की साजिश थी। जिसका डैम है रेड्डी का, उसने इसको बनाने में बिल्कुल रूल्स फॉलो नहीं किए, यानी कि जो मक वो निकालता वहाँ पे वो डंप नहीं करता था, और इसने नदी के किनारे वो मक डंप की। वही मक अगर पानी के साथ नहीं घुलती तो नदी का जलस्तर इतना ऊंचा भी नहीं होता और ये पानी इस तरफ नहीं आता। जब ये हो गया, एक साइंटिफिक टीम आई, उन्होंने भी जब ये सारा टेस्ट वेस्ट किया लैब में, तो फिर ये साबित हो ही गया कि मक उसी की थी। जब बिजली पैदा नहीं हो रही, पानी सिंचाई के लिए नहीं चाहिए था, पानी पीने के लिए नहीं चाहिए था, तो गेट बंद क्यों करके रखे गए, बड़ा प्रश्न ये है। नदी का फ्लोर जितना है, इसके यहाँ से फ्लोर इसका उठा है, यहाँ पूरी ये जितनी भरा हुआ, ये सारी वाले बाद में बनाई गई है। आपने के बाद जब सर टूट फूट हो गया था, ये बाउंड्रियाँ बाद में उठाई गई। ये जितना मलबा जो आ रखा है, सारा ये उसका जो है रेशम फार्म की एरिया है, ये सारा एरिया जो है मलबा से भरा पड़ा हुआ अभी तक भी। चार लाख पांच लाख टन मिट्टी, और मिट्टी है वो, मतलब पत्थर या कुछ, इतना सब कुछ हटा के और डालें कहाँ? बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं जो थी वो पूरी दफन होकर के रखी हुई हैं। हमें तो सबसे ज्यादा अफसोस ये है कि सरकार ने उसको निकालने का कोई प्रबंध नहीं किया। उसमें आप हेलीपैड बना रहे हैं, नई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, बांध से मिट्टी निकाल करके और उनको व्यवस्थित कहीं पे रखनी थी, वो उन्होंने छोड़ी और वो पूरे शहर में बिखरी पड़ी अभी तक। यानी दफन करके रख दिया उन्होंने यहाँ की सभ्यता के एक बड़े हिस्से को। हमें ये पता नहीं था कि जो यहाँ पे डैम बना हुआ है जीवीके का, वो बिना किसी लोगों को सूचना की वे पहले ही वो अपने दरवाजे खोल देगा। उसकी वजह से नदी का जलस्तर इतना ज़्यादा हो गया कि हमने जिसकी कल्पना नहीं करी। सरकार के सामने गए थे कि वो लोगों के इस मुद्दे पे ध्यान दे। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ गए, हम यहाँ के पुलिस अधीक्षक के पास गए, हमने कहा कि इस डैम कंपनी के ऊपर में मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि ये कानून के तहत में हत्या का मुकदमा बनता है। तो मान लीजिए आपके घर की दीवार है और मेरे आपकी दीवार टूटी और मेरे बच्चे की मृत्यु हुई, मेरे ऊपर चोट लगी, तो ये मुकदमा बनता है आपके ऊपर कि आपने दीवार मजबूत क्यों नहीं बनाई, आपने क्यों नहीं ठीक करा, मगर ऐसा नहीं किया। और ये अफसोस की बात है कि पूरे उत्तराखंड में हमें हर बांध जहाँ पे नुकसान हुआ वहाँ पर गए, मगर FIR दर्ज नहीं की गई। ये सरकार की नाकामी है, फेलियर है, क्योंकि सरकार लोगों के साथ न खड़े होकर के, गंगा के साथ न खड़े होकर के, बांध कंपनियों के साथ खड़ी हुई, ये पूरा भ्रष्टाचार है। क्योंकि यदि वो ऐसा करते तो हमको NGT में नहीं जाना पड़ता। क्योंकि सरकार को गुहार लगाते लगाते और प्रशासन को एप्लीकेशंस देते, धरने देते या प्रदर्शन करते, हम लोग वैसे ही मानसिक रूप से इतने टूटे हुए थे, घर हमारे बिखरे पड़े थे, हमारी रसोइयों का पता नहीं था, खाने का, हम लोग दूसरों के मतलब रहम पे पल रहे थे एक तरीके से। मैं बोलूँ कोर्ट जाने की बात नहीं थी, कोर्ट कहाँ जाते, मतलब और कोर्ट का हिसाब भी हम सोचते कि पता कितने दिन तक लगते हैं। लेकिन फिर हमें माटू जन संगठन के द्वारा एक हेल्प मिली और उन्होंने कहा कि आप इसको हम NGT के थ्रू ले जाते हैं, और तब हमने सभी लोगों को एक समिति का गठन किया, भक्तियाना आपदा संघर्ष समिति, उसके हम 86 मेंबर बने। और लोगों का ज़्यादातर ये था कि हम इसको चैलेंज तो करें, इतनी बड़ी कंपनी है और इतने बर्बादी करके रही है। और हम लोगों ने फिर इसमें न्यायालय की शरण में जाना ही उचित समझा। जब हम ये ऑर्डर SDM के पास लेके गए वाकई में, तो ये हुआ कि SDM साहब एक पल के लिए सोचे कि डायरेक्ट उनको कैसे इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने।
लेकिन फिर हमने समझाया कि भाई ये ऑर्डर आपके लिए ऐसा है कि ये सरकार के लिए एक तरीके से ऑर्डर है, आप सरकार के कर्मचारी के तौर पे काम करते हैं क्योंकि आप लोक सेवक हैं, फिर वो समझे। लेकिन उस वक्त भी मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि वाकई में यहाँ पर तो रिहायश ऐसी है कि पढ़े लिखे लोग हैं, ये हैं सो हैं, ये कहीं सुदूर एरिया में अगर कहीं ये बात हुई होती और वहाँ पे लोग जैसे सामान्य तौर पे केवल मतलब लिटरेट यानी कि इतने शिक्षित नहीं होते हैं जो इतनी चीज़ें इतनी व्याख्या समझ पाएँ किसी चीज़ की, तो वो लोग कैसे इस चीज़ को कर पाते, वो चीज़ वो समझ पाते कि नहीं समझ पाते। तो वाकई में वहाँ पर जो लोक सेवक के तौर पे काम कर रहा है जो व्यक्ति, वो उस चीज़ को कैसे करता है ये भी एक मॉनिटर करने वाली बात होती। हम शुक्रगुजार हैं विमल भाई के, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया है और हमारा मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा किया, हमारी बहुत हेल्प करी। मुझे उम्मीद ये है कि हम इस मुकदमे में जो है, चूँकि NGT का इसमें हमारे फेवर में आई रखा है, तो माननीय सुप्रीम न्यायालय से भी यही हम अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे फेवर में ही हमारे जज्बातों को समझ के और हमारी पीड़ा को समझ के वो हमारे फेवर में करेंगे, ऐसी तो उम्मीद है ही। हमने इतनी बड़ी कंपनी को जिसने कि हमें दबा करके रखा था, हमने उसको चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिकॉर्ड लेकर के आइए, SDM उसको चेक करे, SDM ने चेक करा, उसमें भी लंबा प्रोसेस रहा, उस पर दबाव दिया, चिट्ठियाँ दी, जाके घेरा वेरा, तब जाकर के उन्होंने फिर हमारे दिए हुए रिकॉर्ड को वेरीफाई करके रिपोर्ट सबमिट किया। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने हम वेट कर रहे हैं क्या होता है। और शियंत टापू के पास में भी हजारों लाखों टन मिट्टी जो थी, सरकार ने अपनी ओर से आगे दीवारें बनाई, तो सरकार ने क्यों पैसा खर्च किया, सरकार ने क्यों नहीं कंपनी से वसूला। तो मैं कहूँगा एक तरफ सरकार थी जो वेल एस्टेब्लिश सब कुछ था, सब कुछ होने के बाद भी वो एक कंपनी से जुर्माना नहीं ले पाए, और एक तरफ लोग थे जो लड़े और NGT में गए और NGT में फाइट किया, और उसके बाद में वो हम इस जीत को हासिल कर पाए। कोर्ट का भी है इसमें और लोगों का भी है, ये दोनों का जो साथ रहा वो एक बड़ी जीत है, और इस जीत को आगे भी हम लेंगे। हमको मतलब अपनी न्याय व्यवस्था पे जो है बहुत भरोसा, तो मुझे क्योंकि मैं लॉयर हूँ, मुझे भरोसा पहले से ही है, और भी भरोसा जग गया कि इतनी तेजी से भी काम होता है, न्यायपालिका हमको रेमेडी देती है। लड़े हैं, जीते हैं, लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। When I went deep into it, I came to realize that while these hydropower projects generate electricity, there are too many environmental impacts, especially on biodiversity, fish migration, quality of water, forest submergence, and local people are deprived of their fishes and sand and so many other things. Now, the NGT said that no, we do not remove it, but they asked to form a Ministry of Environment to form a committee to assess what were the environmental impacts and work out a method of mitigation. I went to the Supreme Court saying that NGT should have listened to me. Supreme Court turned me down. But then what happened is that the Ministry of Environment did not constitute that committee. And they, when I asked them under RTI Act, please give me a report of the committee, then they say, gave me some report of some committee which was formed earlier. So there was a clear violation both of NGT and Supreme Court. But I did not pursue it because to my mind, as I said, I am not interested in mitigation. I want these projects to go. Simple, they should not be there. So if there is anything that only does tinkering, whether it is rehabilitation or mitigation, I don't pursue it. I only pursue a case in which I think there is a possibility of a project getting stopped. Vimal's approach is that he goes into people, he explains to them what is the negative impact of the dams, and his skill is that he focuses on the impact of the dam on the people. For example, he will focus on rehabilitation issues, because that are very close to the heart of the people who are affected.
I would not focus on rehabilitation at all. But his beginning from rehabilitation has a snowball effect, because it puts pressure on the hydropower projects, it raises public consciousness, it raises a pressure on the government. So it's a very positive. I think myself and Vimal are complementing each other. That is how I would. Anu Joshi wala case tha na, jisme 100 mote leke Supreme Court ne pariyojana band kare, uska thoda kya hua? Usme to ye hua na ki maine to Srinagar project ke upar kiya tha. लेकिन जब बांध की आपदा आई 2013 की, तो मैंने एक एफिडेविट लगाया सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो आपदा आई है इसमें श्रीनगर जैसे प्रोजेक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी श्रीनगर कोर्ट जो है संज्ञान ले. और अब उसके कारण हुआ या नहीं हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो बेसिकली उस एफिडेविट के फॉलो करता हुआ आया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया कि उत्तराखंड की जो जियोलॉजिकल कंडीशन है वो सेंसिटिव है और इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए इसके ऊपर विचार किया जाए, और इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रोजेक्ट्स को स्टे किया था. तो 24 को तो स्टे किया और नए प्रोजेक्ट्स का इश्यूएंस ऑफ एनवायरमेंट क्लियरेंस एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस उस पर रोक लगाया था. तो ओरिजिनली तो पूरे उत्तराखंड पे था, लेकिन बाद में उन्होंने उस पर रिस्ट्रिक्ट किया. तो कितने दिन हो गए सरकार ने एफिडेविट नहीं फाइल किए? सरकार ने तो तीन साल हो. सरकार कब करेगी ये तो सरकार के ऊपर है, क्योंकि जब सरकार का एफिडेविट आ जाएगा कि व्हाट इज देयर पोजीशन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसकी फाइनल हियरिंग करेगी. और इसमें क्या हुआ जो ये बांध आपदा वाला केस था, सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ कि अभी मेंशनिंग की गई कि अभी तक इन्होंने किया नहीं है, तब जा करके फिर ऑर्डर हुआ, फिर तब उन्होंने फिर फटाफट सर्वे, तब तो एक महीने के अंदर उन्होंने सर्वे करके दे दिया. अभी की स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट में SDM की ओर से रिपोर्ट चली गई है और वो लगभग जो लोगों ने कहा था वैसी गई है. अब सुप्रीम कोर्ट पे है कि कब वो डेट लगाए और कब. तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ के ऊपर के साथ जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं हो ऑब्वियसली तब तक इम्प्लीमेंटेशन होता बिल्कुल नहीं, क्योंकि कौन देखेगा? सरकार तो चाहती नहीं. अगर सरकार करने वाली होती तो हमें कोर्ट ही क्यों जाना पड़ता. क्योंकि मक नदी में डाली गई, इसीलिए श्रीनगर बांध की वजह से 2013 के अंदर में जो आपदा आई उसमें वो तो पानी आके निकल जाता, मगर क्योंकि वो मलबा था वहाँ पे, वो लस्सी की तरह घुला और लोगों के घरों में घुसा, सात 8-8 मीटर तक दफ्तर मतलब घरों के अंदर फुट मिट्टी भर गई, जिससे कि उनकी इतनी परेशानी और सब दिक्कतें आईं. तो नदी में मक डालना वो न केवल नदी की बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करता है, बल्कि आगे के जो नीचे ही रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी बड़ा खतरा होता है. इसलिए नदी में मग डालनी और ना डाली जाए ये बहुत बड़ा मुद्दा है. द पॉइंट इज दैट इफ यू फॉलोइंग द ट्रूथ हैज इट्स ओन डायनामिक्स, इट हैज इट्स ओन मोमेंटम, इट रिक्वायर्स अ व्हीकल, अ स्मॉल व्हीकल, जस्ट एज इट इज सेड अ स्मॉल लैम्प कैन क्लियर द डीपेस्ट ऑफ द डार्कनेस. सिमिलरली अ वन पर्सन insisting that he has the truth and putting it before the courts, people, government, sooner or later it snowballs.